कहते हैं कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। काश आप समझदार होते तो शायद ये सब अफवाह ना फैलाते और लोगों से गालियां ना दिलवाते, अगर आप इतना ही प्यार करते। क्या काजल राघवानी की नॉन स्टॉप फायरिंग से खामोश हो गए खेसारी बाबू? क्या काजल राघवानी के बोल्ड अंदाज के सामने खेसारी ने कर दिया सरेंडर? जी हां, भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे नई लड़ाई अब एकदम अजीब मोड़ पर पहुंच गई है। कभी सबसे अच्छे दोस्त और अच्छी जोड़ी के तौर पर मशहूर काजल खेसारी के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों एक दूसरे पर खूब आरोप लगाने लगे। लेकिन अब पिछले 24 घंटे में खेसारी की तरफ से कोई भी नया रिएक्शन सामने नहीं आया है। अब ऐसा लग रहा है कि खेसारी इस मामले में खामोश हो गए हैं। वो ना तो काजल राघवानी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही काजल के ऊपर नए हमले कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता था कि कल खेसारी ने काजल राघवानी के साथ ये एक पुरानी फोटो डालकर उन्हें मनाने की कोशिश की थी। खेसारी ने ये तक कहा था कि वो उनकी इबादत करते हैं। इसके अलावा खेसारी ने फेसबुक लाइव के जरिए एक इमोशनल धमकी देते हुए ये भी कहा था कि उन्हें जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है उससे उनका मन तो कर रहा है कि वो खुदकुशी कर लें। लेकिन ऐसा लगता है कि काजल पर खेसारी के इस मान मनोवल का कोई खास असर नहीं हुआ है। शायद काजल अब ये डिसाइड कर चुकी हैं कि चाहे जो हो जाए लेकिन इस मामले में वो खेसारी के सामने झुकेंगी नहीं। काजल को भोजपुरी इंडस्ट्री से खूब सपोर्ट भी मिलने लगा है। मुकेश ओझा ने काजल को सपोर्ट किया, जिसे देखिए काजल ने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला है। इसमें लिखा है, चाहे जो हो जाए मैं अपनी प्यारी दोस्त काजल को सपोर्ट करता रहूंगा। काजल तुमने अपनी बात अच्छी तरह से रखी है, इसलिए निश्चिंत रहो। इतना ही नहीं, काजल ने अलग अलग मीडिया चैनल्स को दिए इंटरव्यू के दौरान भी खेसारी पर हमले किए। इसके बाद जब वो थक गई तो देखिए उन्होंने अपने फैंस से क्या पूछा। काजल ने पूछा कि अभी और कुछ सुनाऊं या फिर माफ कर दूं। जाहिर तौर पर काजल अब पूरे एक्शन के मूड में है। इतना ही नहीं, ऐसा लगा जैसे कि खेसारी को जलाने के लिए उन्होंने अपना एक पुराना गाना भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उनके साथ प्रदीप पांडे थे। इस स्टेटस में लिखा हुआ था, गजब का एनर्जेटिक सॉन्ग है ये, डांस से लेकर म्यूजिक तक सब एक नंबर। इतना ही नहीं, इसके अलावा काजल ने 19 फरवरी की सुबह रितेश पांडे के साथ अपने अपकमिंग मूवी की ऑन लोकेशन फोटो डालकर जैसे खेसारी को तो जला डाला। जैसा कि सब जानते हैं कि रितेश पांडे के साथ खेसारी की बिल्कुल भी नहीं बनती, और ऐसे में जब खेसारी के साथ काजल का पंगा चल ही रहा है, ये ऑन लोकेशन फोटो खेसारी का दिल जलाने के लिए काफी होगी। यानी कुल मिलाकर काजल राघवानी अब खेसारी के खिलाफ फुल मूड में है। काजल के फैन उन्हें शेरनी कहकर बुला रहे हैं, जिन्होंने अपने अंदाज से अच्छे अच्छों की हवा टाइट कर दी है। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें भी जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।